भाजपा की हैट्रिक लगाना तय कर लिया है। अभी मुझे मेरे संसद के साथी नवीन जी बता रहे थे कि आप पिछले 50 साल का इतिहास देख लीजिए। हरियाणा की एक विशेषता रही है, दिल्ली में जिसकी सरकार होती है हरियाणा में भी उसी की सरकार बनाते हैं, कभी भी उलटफेर नहीं होने देते। भाइयों बहनों, कुरुक्षेत्र से तो हमारे मुख्यमंत्री जी खुद ही यहां उम्मीदवार है। आज हरियाणा के इस बेटे की प्रशंसा पूरे देश में होती है। इतने कम समय में बहुत कम लोगों को इतनी लोकप्रियता मिलती है, और इसका कारण भी है हमारे मुख्यमंत्री जी 24 घंटे हरियाणा के विकास के लिए समर्पित रहते हैं। हरियाणा का जो भी व्यक्ति मिलेगा वो कहता है कि भाई हमारे मुख्यमंत्री जी तो विनम्रता के संबंध में, नम्रता के संबंध में हमारे हरियाणा का गौरव बढ़ा देते हैं। उनका व्यक्तित्व बहुत सहज है, वो बहुत सहज रूप से उपलब्ध है। और आप देखिए, पिछड़े समाज से निकलकर यहां इस बड़े पद पर पहुंचना और इस पद को भी पचा करके नम्रता का साथ जीना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। भाजपा के कार्यकर्ता के नाते मुझे हरियाणा में अनेक वर्षों तक काम करने का अवसर मिला है। यहां बहुत सारे मेरे पुराने साथी बैठे हैं। जब मैं मुख्यमंत्री जी की तारीफ सुनता हूं ना, तो इतना गर्व से भर जाता हूं, इतना आनंद होता है, मन इतना प्रसन्न हो जाता है। इनका विजन और इनकी लगन बड़े बड़ों से भी कहीं बड़ी है। मैं आज हरियाणा के लोगों के पास आया हूं, आपके इस बेटे को आप आशीर्वाद दीजिए। भाजपा को आशीर्वाद दीजिए। मेरे साथ बोलिए, फिर एक बार, फिर एक बार। साथियों, हमारे हरियाणा के लोग अपनी जुबान के बड़े पक्के होते हैं। एक बार जो वादा कर दिया वो कर दिया। भाजपा ने भी हरियाणा से यही सीखा है, और मैंने तो हरियाणा की रोटी बहुत खाई है। भाजपा जो कहती है वो जरूर करके दिखाती है। अभी कुछ महीने पहले लोकसभा चुनाव के दौरान मैं आपसे आशीर्वाद मांगने आया था। मैंने कहा था कि भाजपा सरकार के 100 दिन बड़े फैसलों के होंगे,
गरीब, किसान, महिलाओं और युवाओं को मजबूत बनाने वाले होंगे। अभी 100 दिन पूरे भी नहीं हुए हैं, लेकिन हमारी सरकार ने करीब 15 लाख करोड़ रुपए के नए काम शुरू करवा दिए हैं। भाजपा सरकार ने गरीबों के लिए 3 करोड़ पक्के घरों को भी मंजूर किया है। ये सिर्फ पक्के घर ही है ऐसा नहीं है, ये गरीब का पक्का एड्रेस होगा, ये गरीब के सपनों का घोंसला होगा, ये उनके सपनों का लॉन्चिंग पैड होगा। साथियों, लोकसभा चुनावों के दौरान मैंने ये भी कहा था कि हम देश में 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने के लिए काम कर रहे हैं। बीते सालों में 1 करोड़ लखपति दीदी बन चुकी है और इन 100 दिनों के भीतर देश में 11 लाख से ज्यादा नई लखपति दीदियां बन चुकी है और इनमें से सैकड़ों लखपति दीदियां ये मेरे हरियाणा में भी है। साथियों, 2 दिन पहले ही एक बहुत बड़ा फैसला हमने लिया है जिसका लाभ हरियाणा के लाखों परिवारों को होगा। भाजपा सरकार ने तय किया है कि अब 70 वर्ष की उम्र से ऊपर के सभी बुजुर्गों को 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज मिलेगा। हर परिवार के बुजुर्ग, चाहे वो कितना ही धनी क्यों ना हो, मध्यम वर्ग का हो, उच्च मध्यम वर्ग का हो, गरीब हो, कोई भी, 70 से ऊपर हरियाणा में जो भी होगा उसको 5 लाख रुपए तक बीमारी का खर्चा आपका सेवक जिम्मा लेता है। अब उसके इलाज के लिए उसके बच्चों को फिक्र करने की जरूरत नहीं है, उसकी फिक्र आपका ये बेटा करेगा। देश के बुजुर्गों को दी गई गारंटी मोदी ने पूरी कर दी है। मैं हरियाणा के सभी भाइयों और बहनों से कहूंगा, आप अपने बाल बच्चों का ध्यान रखिए, आपके माता पिता की चिंता आपका ये बेटा, आपका ये भाई कर रहा है। साथियों, हरियाणा में भी भाजपा सरकार पूरे सेवा भाव के साथ काम कर रही है। बीते वर्षों में हरियाणा निवेश के मामले में, कमाई के मामले में देश के टॉप राज्यों में पहुंचा है। गर्व होता है मुझे इस बात का। हमने कांग्रेस की सरकार का वो दौर देखा है जब विकास का पैसा सिर्फ
एक जिले तक सीमित रह जाता था। हरियाणा के लोग तुरंत समझ जाते हैं। इतना ही नहीं, वो पैसा किस किस की जेब में जाता था ये भी हरियाणा का हर बच्चा जानता है। भाजपा ने पूरे हरियाणा को विकास की धारा से जोड़ा है। भाजपा सरकार आने से पहले हरियाणा के आधे घरों में नल कनेक्शन नहीं था। आज हरियाणा में करीब करीब 100% नल कनेक्शन वाला ये राज्य बन रहा है। साथियों, भाजपा की सरकार देश में गरीब और मध्यम वर्ग के लिए बिजली का बिल जीरो करने में जुटी है। और इसके लिए हमने पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना शुरू की है। इसके तहत केंद्र सरकार हर परिवार को, यहां बैठे हुए सबको कहता हूं, मोदी है मौका मत जाने दीजिए। और हरियाणा का तो मुझ पर विशेष अधिकार है भाई, हर परिवार को करीब 80,000 रुपये की मदद दी जा रही है। इस देश में कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक एक परिवार के लिए 80,000 रुपया। और डबल इंजन की सरकार का कमाल देखिए, मोदी ने तो कहा मैं 80,000 दूंगा, इसमें हरियाणा के हमारे भाजपा के लोगों ने तय किया है हरियाणा के हर घर को 30,000 रुपये की मदद यहां की सरकार एक्स्ट्रा, यानी 1,10,000। साथियों, आपकी कमाई बढ़े, आपके पैसे बचे, ये भाजपा सरकार की बड़ी प्राथमिकता है। साथियों, हरियाणा ने हमेशा से मुझे बहुत प्यार दिया है। यहाँ के दूध दही, हरियाणा की रोटी और माताओं बहनों के स्नेह का कर्ज चुकाना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, इतना बड़ा कर्ज मुझ पर है। इसलिए मैं अपना कर्तव्य समझकर आज आपसे कुछ बातें करना चाहता हूं। और ये बातें भाजपा की भलाई के लिए नहीं है, ये बातें मोदी की भलाई के लिए नहीं है। दिल में एक दर्द है, आग है, और इसलिए जब आप मेरे परिवारजन मेरे पास हैं तो मैं मेरा दिल आपके सामने हल्का करना चाहता हूं। अपनों के सामने मैं आज देश की मुझे जो चिंता हो रही है, आपकी, आपके बच्चों की, आपके भविष्य की, और इसलिए कुछ गंभीर बातें हरियाणा के मेरे भाई बहनों के सामने रखता हूं, देश भी उसे गंभीरता से सुनेगा। साथियों, आपके पड़ोस में
हिमाचल प्रदेश है। वहां 2 साल पहले कांग्रेस की सरकार बनी, लेकिन आज वहां क्या स्थिति है? हिमाचल का कोई भी नागरिक खुश नहीं है। कांग्रेस ने वहां हर वर्ग को झूठ की गुट्टी पिलाई थी, लेकिन जो भी वायदे किए उनमें से कोई पूरे नहीं किए। आज सरकारी कर्मचारियों को वहां अपने हक की सैलरी के लिए हड़ताल करनी पड़ रही है। कर्मचारियों को डीए मिल नहीं रहा, मुख्यमंत्री और मंत्रियों तक को सैलरी छोड़ने का वह दिखावा करना पड़ रहा है। हिमाचल में नौजवानों की भर्तियां नहीं हो रही हैं, स्कूल कॉलेज बंद करने की नौबत आ गई है। वहां कांग्रेस ने महिलाओं को 1500 रुपये देने का वायदा किया था। हजारों महिलाएं आज भी इस पैसे का इंतजार कर रही है। हिमाचल में बिजली, पानी, पेट्रोल, डीजल, दूध सब कुछ कांग्रेस ने महंगा कर दिया है। और लोकसभा में भी आपको नहीं देखा है, उन्होंने कहा था 1 जुलाई को खटाखट 8000 रुपया आपके खाते में आएंगे। लोग 1 जुलाई को कतार लगा के कांग्रेस के कार्यालयों पर खड़े हो गए थे। पूरे देश में झूठे वादे करना, देश की जनता से धोखा करना, साथियों भाजपा सरकार ने पहले जो मुफ्त इलाज की योजना हिमाचल में चलाई थी, नौजवानों को बैंकों से मदद लेने की जो योजना चलाई थी, और भाजपा ने बहुत अच्छे ढंग से चलाई थी, हिमाचल के लोगों का कल्याण करने के लिए चलाई थी, ऐसी सारी योजनाएं हिमाचल में अब ठप पड़ गई है। हिमाचल की आर्थिक हालत कांग्रेस ने इतनी खराब कर दी है कि हालात संभाले नहीं संभल रहे हैं। साथियों, जनता की परेशानी से, जनता की समस्याओं से कांग्रेस को कभी कोई फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस से बड़ी बेईमान और धोखेबाज पार्टी देश में और कोई नहीं है। कांग्रेस के झूठ पर विश्वास करके वो लोग पछता रहे हैं जिन्होंने अपने राज्य में कांग्रेस को मौका दिया। कांग्रेस के झूठ की गुट्टी ने कर्नाटका और तेलंगाना को भी नहीं छोड़ा है। कर्नाटका में तो हाहाकार मचा हुआ है, वहां महंगाई और भ्रष्टाचार चरम पर है, विकास कार्य ठप है। कांग्रेस आने के बाद निवेश और नौकरी दोनों कम हो गए हैं। अच्छे खासे राज्यों को बर्बाद कैसे किया जाता है, ये कांग्रेस वहां करके दिखा रही है। और कांग्रेस की इस चालबाजी में उसकी पिछलग्गू पार्टी भी हां में हां मिला रही है। ये कट्टर बेईमान पार्टी है।
इस पार्टी की भी एक ही नीति है, चुनाव जीतने के लिए जनता का खजाना खाली करो। आप पंजाब की हालत देखिए, क्या कर दी है। हरियाणा के लोगों को ऐसी पार्टियों को सरकार के पास भी नहीं फटकने देना है। हरियाणा को बचाने के लिए करना पड़ेगा, आपके बच्चों के भविष्य को बचाने के लिए करना पड़ेगा। साथियों, मैं कांग्रेस और उसका गाजा बाजा बजाने वालों को यहां कुरुक्षेत्र से आज एक और चुनौती देता हूं। कांग्रेस किसानों के लिए बड़ी बड़ी बातें करती है, उन्हें बड़े बड़े सपने दिखाती है। सच्चाई ये है, ये झूठ के अलावा कुछ नहीं है। अगर कांग्रेस में दम है तो वो कर्नाटका और तेलंगाना में अपनी किसान योजनाएं वहां लागू क्यों नहीं करते हैं? कहीं तो करके दिखाओ। किसान तो किसान है, हरियाणा के हो या फिर कर्नाटका के, फिर सिर्फ झूठी बातें कांग्रेस क्यों करती रहती है? जमीन पर करके क्यों नहीं दिखाते? आप देखिए एमएसपी को लेकर यहां ये कितना शोर मचाते हैं, जबकि हमारा हरियाणा देश का वो राज्य है जो 24 फसलें एमएसपी पर खरीदता है। हरियाणा की भाजपा सरकार सिर्फ एमएसपी देती है इतना ही नहीं, बल्कि भाव का अंतर भी देती है, भावांतर योजना चलाती है। मैं कांग्रेस वालों से पूछता हूं, वो लोग कर्नाटका और तेलंगाना में कितनी फसलें एमएसपी पर खरीदते हैं, वहां किसानों को कितना एमएसपी देते हैं? साथियों, भाजपा की केंद्र सरकार ने किसान का बोझ अपने ऊपर लेने के लिए अनेक प्रयास किए हैं। आप यूरिया का उदाहरण देख लीजिए, यूरिया का उदाहरण हमारे सामने है। विदेशों में यूरिया की जो बोरी 3000 रुपए की बिकती है, वही बोरी आपको सिर्फ 300 रुपए से कम में दी जाती है। कहां 3000 दाम और कहां 300 से भी कम में मिलना। इसके लिए केंद्र सरकार ने बीते सालों में करीब 10 लाख करोड़ रुपए जो किसान के सर पे पड़ने वाले थे वो पड़ने नहीं दिए। 10 लाख करोड़ रुपए का बोझ दिल्ली की भाजपा सरकार ने उठाया है ताकि मेरे किसान पर बोझ न बढ़े। साथियों, मैं आपसे एक और बात पूछूंगा, क्या कांग्रेस के राज में किसी किसान के खाते में कभी पैसा जमा होता था क्या? जरा जोर से बताइए ना, होता था क्या? एक रुपया भी आता था क्या? ये लोग एक पाई भी नहीं देते थे। किसानों के बैंक खातों में सीधे पैसे भेजने का काम
भाजपा ने किया है। किसान सम्मान निधि के रूप में करीब 3.25 लाख करोड़ रुपए से अधिक हमने किसानों के खाते में जमा किए हैं, 3.25 लाख करोड़। साथियों, कांग्रेस किसानों को अपने हाल पर छोड़ देती है। मैं आपको फिर कर्नाटक का उदाहरण दूंगा जहां कांग्रेस की सरकार है। देखिए कर्नाटक में क्या हो रहा है। कांग्रेस के सिर्फ कुछ महीनों के राज में आप सुनकर के चौंक जाएंगे, कुछ ही समय के राज में कर्नाटक में करीब 1200 किसानों ने आत्महत्या की है। अरे डूब मरो कांग्रेस के लोग, आपके मुंह में किसान के नाम पर झूठ फैलाने का पाप पड़ा हुआ है। वो इसलिए क्योंकि सूखा पीड़ित किसानों की कांग्रेस वहां की सरकार ने मदद नहीं की। और ये झूठे लोग यहां हरियाणा में बड़ी बड़ी बातें करते हैं। साथियों, कांग्रेस की राजनीति झूठे वादों और देश में अराजकता फैलाने के हथकंडों तक ही सीमित हो चुकी है। आप जरा याद कीजिए, इन्होंने ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर कितना बवाल खड़ा किया था, लेकिन देश ने जब इनका झूठा गपबाजी गुमराह करने के तरीके पकड़ लिए तो अब ये ओपीएस का नाम लेना भी बंद कर दिए हैं। वहीं दूसरी तरफ भाजपा है, कर्मचारियों की हितैषी भाजपा सरकार नई पेंशन स्कीम लेकर आई। इसमें कर्मचारियों के लिए निश्चित पेंशन की गारंटी है। इस नई पेंशन स्कीम का देश भर के कर्मचारियों में व्यापक स्वागत हुआ है। सरकारी कर्मचारियों ने इसे उस पर बहुत खुशी जताई है। साथियों, कांग्रेस ने किसानों के साथ ही हमेशा देश की रक्षा करने वाले वीर जवानों को भी धोखा दिया है। ये भाजपा सरकार ही है जिसने पूर्व सैनिकों के लिए 1 रैंक 1 पेंशन लागू की। इससे हरियाणा के 1.5 लाख पूर्व सैनिकों को 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की मदद मिली है अकेले हरियाणा में। जबकि कांग्रेस ने तो पूर्व सैनिकों को भी अनेक दशकों तक इसके लिए लटकाए रखा था, और जब मुद्दा बड़ा हो गया तो बजट में सिर्फ 500 करोड़ रुपए रखे ताकि पूर्व सैनिकों की आंखों में धूल झोंक सके। साथियों, मुझे बराबर याद है 13 सितंबर 2013 को भारतीय जनता पार्टी ने मुझे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में घोषित किया था, और मेरा पहला सार्वजनिक कार्यक्रम 15 सितंबर को रेवाड़ी में हुआ था, पूर्व सैनिकों का कार्यक्रम हुआ था, और मैंने पूर्व सैनिकों के सामने मन से सामने सर झुकाकर कहा था कि मैं आपकी तपस्या को कभी बेकार नहीं जाने दूंगा, मैं वो आरोपी लागू करूंगा
कांग्रेस वालों ने 500 करोड़ का खेल खेला था। साथियों, सरकार में आने के बाद हमने वो आरोपी लागू किया। इतना ही नहीं, कुछ दिन पहले ही हमने ओआरओपी का तीसरा रिवीजन भी कर दिया है और इस अक्टूबर से मेरे पूर्व फौजी भाइयों को इसका भी लाभ मिलने लग जाएगा। साथियों, मैं यहां आने से पहले जम्मू कश्मीर में था, वहां भी चुनाव हो रहे हैं। वहां कांग्रेस पार्टी आर्टिकल 370 धारा 370 को फिर से बहाल करने का समर्थन कर रही है। क्या ये आपको मंजूर है? क्या कश्मीर को अलग होने देना है? ऐसा पाप करने वाली कांग्रेस को सजा देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए?